किसके आर्टिकुलर कार्टिलेज की पेरी पेरी से, और क्या वहां बना रहा था, कौन सी लेयर बना रहा था, दैट इज पेनस फॉर्मेशन, पेनस फॉर्मेशन, पेनस, पेनस कौन सी लेयर थी, इट इज एबनॉर्मल लेयर ऑफ गैनुलेशन टिश्यू, जो एक लूज और स्मूथ और एक शाइनी सरफेस थी, ठीक है। अब वो क्या हो रहा था, जैसे अब उसके बाद पूरी आर्टिकुलर कार्टिलेज टूट रही थी, और आर्टिकुलर कार्टिलेज टूटने के बाद वो बोन को अफेक्ट कर रही थी, कौन सी बोन को, जिससे बोन अटैच थी, जिसको हम सबकॉन्ड्रल बोन बोल रहे थे, यानी पेनस एक्सटेंड ओवर द कार्टिलेज एंड बोरोस इनटू द सबकॉन्ड्रल बोन, उसने बोन को अफेक्ट करना कर दिया था। और उसके बाद फिर क्या हो रहा था कि जितनी बोन से आप, जैसी बोन अफेक्ट होगी तो बोन के ऊपर जितनी थोड़ी बहुत भी कार्टिलेज लगी होती वो कंप्लीटली टूट के अलग हो जाएगी। अब वो सारी टूट के अफेक्ट हो गया, उसके बाहर क्या होता है, कैप्सूल होता है, उसको भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर लेटर स्टेज में क्या होगा कि वो सारी जितनी भी सारी कैप्सूल कार्टिलेज है वो टूट के जॉइंट स्पेस के बीच में भरने लग जाएंगे, और फाइब्रस एंकुलाइजिंग यानी स्टिफनेस कराएंगे। फिर आगे आगे चल के बोन भी टूटने लग जाएगी, और बोन भी फिर वो करके बोन एंकुलाइसिस करा देगी। यानी बोन टूटने का मतलब क्या है सर, ऑस्टियोपोरोसिस होना, बोन के पोरस बनना, और उसके आसपास के एडजेसेंट जॉइंट को अफेक्ट करना। तो याद रखिए, या तो आप ये पूरी रामायण लिख के आइए पैथोलॉजी में, या सिर्फ इतना सा डायग्राम बना के आइए, नंबर बराबर मिलेंगे। अगर 14 मार्क में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये डायग्राम भी बना के आना पड़ेगा और समझा के भी आना पड़ेगा। अगर 8 मार्क में क्वेश्चन है तो मेरी आपसे यही रहेगी कि आप समझा के मत आओ, ये लिख के आओ, उसको समझ आ जाएगा कि इस बंदे को पूरा आता है, तभी ये वो चार्ट बना पाएगा, तभी वो ट्री डायग्राम बना पाएगा, वरना वो ट्री डायग्राम नहीं बना पाएगा। आप रट्टा भी मान लो तब भी इसमें एक दो लाइन भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने पूरी की चीज अभी जो मैंने समझाई और ढंग से उसे समझ ली कि अच्छा सर इस स्टेज के बाद ये स्टेज आता है, तो आप पहली स्टेज ही लिखोगे, उसके बाद अगली स्टेज अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आती जाएगी। अच्छा क्यों, क्योंकि सर ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो ऐसे 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 करके अफेक्ट कर रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसमें रट्टा मारो। सब समझने की चीज है कि जो पहले होती है वो बाहर है, रट्टा तो एनाटॉमी में मार चुकी हो फर्स्ट ईयर में, बस अब जो पता है कि सिनोवियल के बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, फिर बोन होती है, फिर कैप्सूल होता है, तो धीरे धीरे करके वो अफेक्ट हो रही है, पर अफेक्ट होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं करना। स्टेजेस में तीन कंप्लीटली अभी बता चुका हूं, कौन सी, ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जो अभी बताई थी, ठीक है। अब इसमें याद रखना, इसी में सबसे बड़ी चीज होती है, जो माइल्ड स्टेज होती है ना वो रिवर्सिबल स्टेज होती है, जो माइल्ड स्टेज होती है ना सर, जो भी पढ़ा रहा था, वो रिवर्सिबल स्टेज होती है। आप कुछ ड्रग की मदद से उस जॉइंट का, उस जॉइंट को ठीक कर सकते हो। अगर आप कब माइल्ड स्टेज में, माइल्ड स्टेज कहां कहां थी, कि जब तक सिर्फ आपका साइनोबियम फ्लूड ही अफेक्ट हुआ था, यानी जो लेयर थी, जो पेनस लेयर थी, वो नहीं बन रही थी, क्योंकि पेनस लेयर किस में बन रही थी, सॉरी मॉडरेट में, पेनस लेयर किस में बन रही थी, मॉडरेट में। तो स्टेज वन माइल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियली रिवर्सिबल, कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो अफेक्ट हुई है वो साइनोबियल फ्लूड, अगर आपने कुछ ड्रग दे दिए तो वहां पर सिर्फ अभी साइनोबियल फ्लूड ही तो अफेक्ट हुआ है, कोई चीजें टूटी तो है नहीं है। रिवर्सिबल होने का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज टूटी नहीं है, सिर्फ खराब हुई है, आप वापस कर लोगे तो ठीक हो जाएगी, एक बार चीज टूट गई फिर तो वो नहीं जुड़ पाएगी। तो टूटना तो स्टार्ट जब हो रहा था ना, जब पेनस का फॉर्मेशन हो रहा था और वो आर्टिकुलर कार्टिलेज से जुड़ रही थी, तब आर्टिकुलर कार्टिलेज टूट रही थी, दैट इन मॉडरेट कंडीशन, माइल्ड में तो नहीं था सर। तो माइल्ड कंडीशन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियली रिवर्सिबल सॉफ्ट टिश्यू प्रोलिफेरेशन, यानी इन दिस स्टेज द डिसीज इज लिमिटेड टू साइनोबियम, जो डिसीज है वो सिर्फ अभी साइनोबियल फ्लूइड तक है, यानी साइनोबियम की हाइपरट्रॉफी हुई है, डिफ्यूजन हुआ है, मगर अभी पेनस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी जो आपका साइनोबियम है वो अभी आर्टिकुलर कार्टिलेज तक नहीं पहुंचा है, यानी जो भी चीजें हैं वो अभी साइनोबियल फ्लूइड में, अगर हम कुछ ड्रग उसको ऐसे दे देंगे तो पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो जाएगा, रिवर्सिबल चीजें हो जाएंगी। अगर वही चीज अगर हम अगर एक स्टेप आगे बढ़ो तो क्या हो रहा था सर, एक स्टेप आगे बढ़ने में कि आप साइनोबियल फ्लूइड डिस्टर्ब हो चुका था मॉडरेट कंडीशन में, मैंने क्या बोला था, प्लस पेनस का फॉर्मेशन हो गया था और प्लस आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्टर्ब टूटने लग गया था। तो आप दिमाग लगाओ कि सर जो एक बार चीज टूट गई है क्या वो वापस ठीक हो पाएगी, नहीं। तो इस स्टेज में क्या होता है कि आप इसको कंट्रोल तो कर सकते हो, पर आर्टिकुलर कार्टिलेज टूटना स्टार्ट हो गई तो ये वो स्टेज होती है जहां पर आप चीजें कंट्रोल कर सकते हो, मगर जितनी टूट गई आप उनको दोबारा ठीक नहीं कर सकते। यानी क्या है, कंट्रोलेबल तो है बट इररिवर्सिबल है, कि जो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज टूट गए सर वो टूट गए, वो आप उन्हें सही नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ ये है कि फर्दर कंप्लीट आर्टिकुलर कार्टिलेज टूटने से लेकर और बोन तक पहुंचने तक आप उसे वहां तक बचा सकते हो कि पूरा ना हो,
तो ये क्या कंट्रोलेबल स्टेज है बट इरिवर्सिबल है, सॉफ्ट टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड अर्ली कार्टिलेज इरोजन। इसमें क्या दिखेगा? पेनस का फॉर्मेशन, याद रखना सेकंड टू में, इट इज अ मॉडरेट कंडीशन। एक्सरे शोज अ रिडक्शन इन द जॉइंट। क्यों दिखाएगा सर एक्सरे जॉइंट में रिडक्शन? क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज टूटना स्टार्ट हो गई है इसीलिए, और आर्टिकुलर कार्टिलेज टूटेगी तो जो जॉइंट के बीच में बोन है वो पास पास आएंगी, तो जॉइंट स्पेस रिड्यूस्ड आपको मिलेगा। बट आपको एक आउटलाइन अभी भी क्लियर दिखने को दिख रही है कि आपको दिख रही है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज टूटना स्टार्ट हुई है मगर कंप्लीटली टूटी नहीं है, इसीलिए इसे बोल रहे हैं कि इसे कंट्रोल कर सकते हो मगर लेकिन जितनी टूट गई उन्हें वापस आप नहीं ला सकते। यानी इस स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? सॉरी पेनस फॉर्मेशन, ठीक है। अब थर्ड वन स्टेज क्या होगी? सीवियर, कि इसमें जो आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज पूरा टूट चुका है, पूरा टूट चुका है और आपकी जो बोन है वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो गई, यानी इट इज अ कंप्लीटली इरिवर्सिबल। अब चीजें टूट गई तो खराब हो गई, अब तो ना उसको ना आप कंट्रोल कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। कंट्रोल करके फायदा ही क्या, जो टूटना था वो सब तो चीजें टूट चुकी, जॉइंट तो पूरा खत्म हो ही चुका है ना। तो क्या हो रहा है, तो द पेनस अल्टीमेटली इसमें बन रहा था, इसमें अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोड्स द सबकॉन्ड्रल बोन, यानी जो आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसने तोड़ना स्टार्ट कर दिया और आपकी बोन को भी अफेक्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया है। द जॉइंट पे, और वही जो स्टेज थी हमने पूरे भी पीछे पढ़ के आ रहे थे, तो जॉइंट मेंबर एंकलाइजेशन स्टिफनेस यूजुअली इन अ डिफॉर्म्ड पोजीशन, उसको आप क्या बोल रहे थे, फाइब्रोस एंकलाइजेस, और आगे चल के वही किसमें कन्वर्ट हो रहा था, बोनी एंकलाइजेस में, और उससे क्या हो रहा आपका जॉइंट जॉइंट भी हो जाएगा, तो वो आगे चल के क्या या तो सबलक्सेट हो सकता है या कंप्लीटली डिसलोकेट हो सकता है। सबलक्सेट सब पता है कि जहां क्या जॉइंट का वो उस लेवल तक डिसलोकेट होना कि जहां पर कुछ ना कुछ आर्टिकुलर कार्टिलेज अभी भी एक दूसरे से अटैच्ड है, और डिसलोकेट मतलब कंप्लीटली आर्टिकुलर कार्टिलेज एक दूसरे से अलग हो गई है। तो ये तीन पॉइंट बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। पहला क्या कि पोटेंशियली रिवर्सिबल, मैंने बता दिया इसमें क्या हो रहा था कि आपका साइनोवियल अफेक्ट हो रहा था मगर कार्टिकुलर कार्टिकुलर बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट में नहीं आया था इसलिए आप उसको रिवर्सिबल कर पा रहे थे। दूसरी स्टेज में पेनस का फॉर्मेशन हो गया था, आर्टिकुलर कार्टिकुलर टूटना स्टार्ट हुआ था, कंप्लीटली टूटा नहीं था इसलिए आप उसको कंट्रोल कर सकते थे मगर जितना टूट गया उसको आप कुछ नहीं कर सकते थे। थर्ड स्टेज में कंप्लीटली टूट गया ना आप सर आप कंट्रोल कर सकते ना कुछ, क्योंकि जॉइंट कंप्लीटली आपका डिस्टर्ब हो गया। डायग्नोस कैसे करोगे? सिंपल सी चीज है, क्लिनिकल फीचर्स अकर्स बिटवीन द एज टू 20 to 50, की जो एज है वो 20 से 50 साल होती है, वुमेन ज्यादा अफेक्ट होती है 3 times मेल से, ठीक है। कुछ प्रेजेंटेशन होती है जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ के आ चुके हो कि ये हमने क्या बोली थी सर, ये 3 से ज्यादा, या मैंने कहा था 4 जॉइंट की तो मेजरली आपके अफेक्ट होने ही चाहिए, तो एक्यूट कंडीशन में इस, और हमने बात भी करी थी सिमेट्रिकल थी, क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकल है, ये सब जॉइंट को बराबर ही इफेक्ट करेगी, ऐसा थोड़ा ना ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो ज्यादा आप यूज में ले रहे हो तो ज्यादा डिस्टर्ब होगा, ऐसा तो उठा नहीं, ठीक है। पेन स्टिफनेस ये सब तो मिल रही है, तो पेन स्टिफनेस इन मल्टीपल जॉइंट है ना, और हमने क्या बोला था कि एटलीस्ट 4 जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और पेन कब होगा? मॉर्निंग में। मॉर्निंग स्टिफनेस क्यों होगी? मैं पूरा स्टार्टिंग में आपको कंप्लीटली समझा चुका हूँ। द जॉइंट अफेक्टेड मोस्ट कॉमनली आर द मेटोकार्पोफेरिंजियल जॉइंट, मैं आपको बता चुका हूँ ये याद रखना, इंडेक्स फिंगर का मेटोकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है ना वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में होता है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर का कौन सा होता है? इंडेक्स फिंगर का क्या मैंने बोल रहा हूँ, ये वाला, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है ना, पर इंडेक्स फिंगर का ये है मेटोकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, ये जहां से ये इंडेक्स फिंगर स्टार्ट हो रही है ये वाला, ठीक है, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर। और कौन कौन से कॉमन है? देखो कॉमन कौन कौन से जॉइंट है? मेटोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ हैंड, यानी ये वाले जहां से फिंगर्स होना स्टार्ट होनी है। उसके बाद होते हैं पीआईपी, जो ये बीच वाले हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, टीआईपी नहीं लिखा है, तो टीआईपी बहुत लेस कॉमन होता है। वो कब होगा? जब ये दोनों कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट में आ जाएंगे, उसके बाद कहीं सीवियरिटी होगी तो कहीं टीआईपी इन्वॉल्वमेंट में आएगा, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में टीआईपी ही बिना इन दोनों के ही इन्वॉल्वमेंट में आ जाता था, इसलिए हमने उसे देख देख अपना डिफरेंशिएट पार्ट पढ़ा था। रेस्ट हो गई, नी, एल्बो, एंकल, ये सब इन्वॉल्वमेंट में छोटे छोटे जॉइंट आते हैं। लेस कॉमन कौन से? हिप जॉइंट, टेम्पो मैंडिबुलर, ये आपकी टेम्पोरल है और इसके नीचे टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, ये आपके क्या लेस कॉमन है। अनकॉमन एटलांटो एक्सियल जॉइंट, कौन से? C1 C2 जॉइंट है ना, फेसेट जॉइंट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन जानते ही हो। फेसेट जॉइंट कौन से? जैसे C1 C2 से, C2 C3 से, कैसे एक दूसरे से अटैच है, कैसे अटैच है C2 C3 से? इंफीरियर, वो इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ C2 इज, क्या होता ना कि इंफीरियर फेसेट सर्फेस ऑफ C2
इज आर्टिकुलेटेड विद द सुपीरियर, क्योंकि हम ऐसे ही तो पढ़ के आए थे, कैसे पढ़ के आए थे बताओ, याद आ रहा है? कैसे पढ़ा था? ये C2 है और ये C3 कैसे जुड़ता था कि C2 की जो इंफीरियर नीचे वाली सरफेस है वो C3 के अपर सरफेस यानी सुपीरियर सरफेस से जुड़ती थी, तो इस जॉइंट में भी ये अनकॉमन होते हैं, यहाँ पर इन चीजें नहीं देखने को मिलती, और लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलती थी। अच्छा बताओ, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर वो मिलती थी तो उसको एक नाम था जिसको हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था, दैट इज स्पॉन्डिलोलोसिस, याद आ गया? स्पॉन्डिलोलोसिस पूरा पढ़ाया, उसमें पर पढ़ाया था कि स्पॉन्डिलोसिस का दूसरा नाम ही बताया था, स्पॉन्डिलोसिस इज अ और इज अ ऑस्टियो, क्या इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन, स्पॉन्डिलोसिस का नाम ही बोल रहे थे, इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। तो ये सब फैसेट जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिखता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं दिखता, तो ये भी एक डिमार्केबल डिफरेंशियल लाइन हो गई, और ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, स्पॉन्डिलोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह भी, ठीक है। अदर्स में क्या है, इससे क्या आगे चल के रूमेटाइटिस भी हो सकती है, क्या हो सकता है, निमोनाइटिस, निमोनाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग टिश्यू, है ना, रूमेटॉइड नोड्यूल्स बनते हैं, मैंने बता चुका था कितने केसेस में बनते थे, सिर्फ 20% केसेस में, ठीक है, ये सब भी आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से कुछ डिफॉर्मिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्पेशली देखने को मिलते हैं, मैं आपकी इनको इमेज बताता हूँ, याद करने का एक थोड़ा सा तरीका भी बता दूंगा, मगर याद तो आपको इन्हें करना पड़ेगा कि ये दिखती है, जैसे हैंड में आपको देखने को मिलता है अल्नर ड्रिफ्ट, अभी बताता हूँ व्हाट इज अल्नर ड्रिफ्ट क्या होता है, मैं देखो ये पहले आपको वीडियो में समझता हूं, अल्नर डेविएशन हो जाता है किसका, अब ये अब देखो मैं अगर मैं आपकी तरफ हाथ करूं तो मेरा अल्ना किधर है, अगर मैं मेरी तरफ करूं तो अल्ना इधर है, और इधर करूं तो अल्ना बाहर की तरफ है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, इधर की तरफ इंडेक्स फिंगर है जिधर मेरी, अब मेरा अल्ना उधर चला गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, मेरी जो फिंगर है इस जगह से, ये जो मेटाकार्पल फैलिंजियल जॉइंट है ना, इस जगह से सारी फिंगर इधर जाती है, लिटिल फिंगर की तरफ ऐसे जाती चली जाएंगी, क्यों सर, क्योंकि इसलिए जाती है क्योंकि अल्नर डेविएशन कहां पर दिखता है, इन नक्कल्स पे, ये जो नक्कल्स दिख रही है ना इसी, और इसी को बोलते हैं मेटाकार्पल फैलेंजियल जॉइंट एमसीपी, है ना, मेटाकार्पल फैलेंजियल जॉइंट, ये क्यों जाती है, ये बिकम स्वेलिन, सर इन्फ्लेमेशन का पार्ट ही है, स्वेलिन तो दिख रहा है, तो बिकम स्वेलिन एंड कॉज फिंगर टू बेंड, और ये अपन ने बात करी थी, हम स्टार्टिंग बात करें एमसीपी, एमसीपी इसमें बहुत कॉमन है, तो ये इन जॉइंट्स की स्वेलिंग हो जाती है, और एबनॉर्मल क्या हो जाती है, स्वेलिंग होने की वजह से ये एबनॉर्मली बेंड होना स्टार्ट हो जाती है, और कैसे बेंड होती है, इस तरफ अल्ना की तरफ, अगर मैं आप अपनी तरफ फेस कर लूंगा तो इस तरफ, आपकी तरफ कर लू तो इस तरफ, यानी लिटिल फिंगर की तरफ, जिस तरफ अल्ना है उस तरफ उंगलियां ऐसे आपकी ऐसे हो जाएंगी, देखो ये दिख रही है, देखो ये आपकी लिटिल फिंगर है, दिख रही है लिटिल फिंगर, ये सब की सब आपकी इस तरफ जा रही है, दिख रही है आपको, तो ये सब ये, और ये क्यों थी, इस एमसीपी जॉइंट पे, ड्यू टू दी एमसीपी जॉइंट अल्ना ड्रिफ्ट होता है, मैंने क्यों होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, क्यों हो रहा था, क्योंकि अल्ना डेविएशन नक्कल्स और एमसीपी जॉइंट बिकम स्वेलन एंड कॉज फिंगर टू बेंड एबनॉर्मली टूवर्ड्स लिटिल फिंगर, दिखा चुका हूं, ठीक है, अब ये आपको कुछ कुछ इनकी याद करनी पड़ेगी, जैसे बोटर्नी डिफॉर्मिटी और स्वैन नेक डिफॉर्मिटी याद करनी पड़ेगी, बोटर्नी के बोटर्नी में क्या होता है, स्वैन नेक में क्या होता है, ये ऐसी डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं अल्नर में, क्या बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ये होती है देखो। ये होती है आपकी बोटर्नी, बोटर्नी में क्या होता है, एबनॉर्मल जो ये कौन सा जॉइंट है, पीआईपी जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरियल जॉइंट पे फ्लेक्शन देखने को मिलता है, फ्लेक्शन क्या होता है ऊपर की तरफ और वो नीचे की तरफ, सॉरी फ्लेक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन करो अपने पीआईपी जॉइंट पे, खुद खुद फील करके देखो, खुद करो जो पीआईपी जॉइंट है वहां पर फ्लेक्शन करो यानी इसे नीचे लेके आओ, और जो ये डीआईपीजी जॉइंट है इस पर हाइपर एक्सटेंशन करो, इसे ऊपर की तरफ ले जाओ, यानी कैसे, इस तरीके से, ये आप यहां से स्टार्ट हुई है यहां से, और यहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है और हाइपर फ्लेक्शन देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं बोटर्नी। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, उसे बोलते हैं स्वैन नेक। स्वैन नेक मतलब सर कैसे, कि यहां पर जो आपको फ्लेक्शन दिख रही थी ना पीआईपी पे, इस पे कर दो हाइपर एक्सटेंशन, और डीआईपी पे जो हाइपर एक्सटेंशन दिख रही थी ना इस पे कर दो फ्लेक्शन, दिखाओ
इसका जस्ट उल्टे को बोलते हैं स्वैन नेक। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसमें कोई ये देखो, इसको देखो, इसके पीआईपी में क्या है, हाइपर एक्सटेंशन और डीआईपी पे फ्लेक्शन। हो गया उल्टा, हो गया दोनों में, क्यों उल्टा हो गया? इसमें देखो, इस डायग्राम में आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। इसमें देख लो, इसमें इस डायग्राम में बिल्कुल एक एक चीज क्लियर है। देखो एक होता है क्या बोलते हैं, मैलेट फिंगर भी देखने को मिलती है डिफॉर्मिटी, उसमें सिर्फ डीआईपी ज्वाइंट पे फ्लेक्शन होता है। यहाँ देखो बॉटरनी में पीआईपी ज्वाइंट, ये कौन सा है आपका पीआईपी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, और ये कौन सा है आपका इधर वाला डीआईपी। दोनों में ये आपका डीआईपी है, ये दोनों डीआईपी है और ये दोनों आपके पीआईपी है। इसके बोटरनी के पीआईपी पे क्या मिलता है, फ्लेक्शन, और डीआईपी पे क्या मिलता है, हाइपर एक्सटेंशन। स्वेन नेक के पे उल्टा कर दो, स्वेन नेक के पीआईपी पे हाइपर एक्सटेंशन, इधर इस ज्वाइंट पे हाइपर एक्सटेंशन, और इधर आपको डीआईपी पे फ्लेक्शन। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, ये मिलता है इस तरीके से, इसको डिफॉर्मिटी बोलते हैं। याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, आपको बस रट्टा मारना पड़ेगा कि बॉटरनी में क्या होता है। बस एक बार फिर से समझा देता हूँ, बॉटरनी में क्या हो रहा है कि जो आपका पीआईपी है यहाँ फ्लेक्शन हो रहा है, देखो फ्लेक्शन दिख रहा है ना, नीचे की तरफ जा रही है, और डीआईपी पर हाइपर एक्सटेंशन है, ऊपर की तरफ जा रही है। इसका उल्टा कर दो, इसमें देखो, इस पे देखो, इसमें क्या हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन ऊपर की तरफ जा रही है, और डीआईपी देखो नीचे की तरफ जा रही है, ये होता है स्वैन नेक। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसी तरीके से इसमें ये बोन नेक और स्वैन नेक आपको डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, एल्बो में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। अच्छा फिर इससे सर, अच्छा फिर वो आगे ट्रीटमेंट में बताऊंगा, छोड़ो। ठीक है, एल्बो में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, नी में आपको अर्ली फ्लेक्शन। अच्छा देखो, सब में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ही देखने को मिलती है जनरली। देखो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी क्यों मिलती है बड़े ज्वाइंट में, क्योंकि हमारे बॉइंट, क्योंकि सारे जॉइंट एक्सटेंड कब करते हैं, जब उन्हें कंप्लीटली ओपन करते हो। और हम, मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी पहले बता चुका था कि एक्सटेंशन करने का मतलब क्या होता है, कि एक जॉइंट स्पेस का बिल्कुल पास पास में आना। कैसे सर? ये देखो, जब मैं एक्सटेंशन कर रहा हूं तो मेरे यहां पर जो ज्वाइंट बन रहा है, जब मैं फ्लेक्शन कर रहा हूं तो अब ये ज्वाइंट दूर दूर जा रहा है, और जब एक्सटेंशन कर रहा हूं तो कंप्लीटली पास पास में आ रहा है, तभी तो ये सीधा हो रहा है, यानी जॉइंट स्पेस पास पास में आ रहा है। और अब किसी के पेन हो रहा है तो वो क्यों करेगा, हो ही नहीं पाएगा, पेन होगा तो फ्लेक्शन करने में, हमेशा एक्सटेंशन करने में तकलीफ आती है, इसलिए सब लोग क्या कर लेते हैं, फ्लेक्शन। देखो चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे ये हो, तो जॉइंट, क्योंकि जॉइंट स्टिफ हो रहा है तो सबको क्या हो जाएगा, एल्बो पे, इसके जो एल्बो है और जो नी है तो वहां पर सब में फ्लेक्शन, यही आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी दिख रहा था। तो ये सब तो चीजें, जो सिम्टम्स है वो तो सेम दिखेंगे, क्योंकि दोनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। लेट ट्रिपल सबलक्सेशन मिलता है ना, जो यानी सबलक्सेशन मतलब जॉइंट का वीक पड़ना। एंकल में इक्विनस डिफॉर्मिटी मिलती है, इक्विनस डिफॉर्मिटी क्या होती है, टोस पे चलता है ना बंदा, टोस पे चलने लग जाते हैं, वो दिखती है एंकल में। ऐसा नहीं है कि आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये सबकी सब अगर आपको दिख रही है तो ये आपको सबकी सब एक ही पेशेंट में रिमिटर करेगी, ये किसी किसी में देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, किसी में को एक देखने में को मिलेगा और किसी में कोई देखने को ना मिले, तो कोई जरूरी नहीं है, ये दिमाग में रखना। इस तरीके से क्या होता है, ये आपको ऐसा इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा इक्वाइनस पे चलेगा। देखो इसमें, इसमें अलग अलग है, पूरे छोड़ो, ये देखो सिर्फ ये लास्ट वाला, इसमें इस तरीके से टोस पे चलने लग जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्वाइनस पोजिशन। इसमें ये देखता, ये लास्ट वाला देखो, इस तरह से टोस पे चलने, ऐसे टोस पे। तो जरूरी नहीं है कि सारी डिफॉर्मिटी एक में ही मिलेगा, वो एक में एक दो मिल जाएगा, वो एक में कोई भी नहीं मिले, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगली कौन सी डिफॉर्मिटी, अगली डिफॉर्मिटी है हेलस वेलगस। हेलक्स वेलस का तो आपने देखा भी होगा, पैर का जो टो होता है ना, ग्रेटर टो, वो क्या होता है, अंदर की तरफ चला जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से अंदर की तरफ, ठीक है ना, ये अंदर की तरफ, इसको हेलक्स वेलगस बोलते हैं, ये देखते देखने को मिलता है। ठीक है, और हेमल टो देखने को मिलता है, हेमल टो में ऊपर की तरफ उठने लग जाता है इस तरीके से। इस तरीके ये इसके फिंगर में, ऐसे टोज में भी होता है ऊपर, ये दिख रहा है ना, ऐसी टोज में भी होता है, ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है, उसे बोलते हैं हैमर टो। तो ये कुछ डिफॉर्मिटीज है जिन्हें आपको याद करना ही करना है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे सर, क्या मिलेगी, सारी बेसिक चीजें कि जॉइंट स्पेस है वो आपको कैसे मिलेंगे, रिड्यूस्ड मिलेंगे। ठीक है ना,
आपकी जो आर्टिकुलर जो आपकी आर्टिकुलेटेड सर्फेसेज है वो आपको कैसी मिलेंगी, उनमें इरोजन टूटती टूटी हुई मिलेंगी। तो कैसे, अब ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, ठीक है। जॉइंट स्पेस रिड्यूस मिलेगा, आर्टिकुलर माध्यम टूटी हुई मिलेगी, बिल्कुल जो पढ़ के आ चुके हो वही तो पढ़ रहे हैं, कुछ अलग से तो पढ़ने पढ़ेंगे नहीं। सबकॉन्ड्रल सिस्ट में आपको पहले भी बता चुका था कि बोन पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मिलती थी सबकॉन्ड्रल सिस्ट, बोन के ऊपर क्या होता था सबकॉन्ड्रल, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, एबनॉर्मली फ्लूइड फिल्ड स्पेस डेवलप होने लग जाता था बोन के आउटर सरफेस पे इस तरीके से। उसमें दिख रही है इसमें, ये देखो यहां पर, ये देखो ये रही, इसमें ये रही, इस डायग्राम में ये रही, ये देखो ये क्या एक फ्लूड, ये क्यों व्हाइट व्हाइट ऐसा क्यों चमक रहा है एक्सरे में, क्योंकि जो लिक्विड चीजें होती है वो एक्सरे में शाइन करती है, ठीक है, अलग अलग डिपेंड करता है ना। तो ये देखो दिख रही है ना ये आपको इस तरीके से, ये फ्लूड फिल्ड स्पेस है, इसको बोलते हैं सबकॉन्ड्रल, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी देखने को मिल रही थी, ठीक है। और क्या मिलेगा, और ये देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सब सॉफ्ट टिश्यू शेडो मिलती है एट द लेवल ऑफ द जॉइंट बिकॉज ऑफ जॉइंट डिफ्यूजन ऑफ साइनोवियल हाइपरट्रॉफी। सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू की ना जॉइंट के ऊपर शेडो देखने को मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि तो जॉइंट के अंदर हमने पढ़ा था साइनोवियल डिफ्यूजन हो गया होता है तो काफी पानी भर गया होता है, तो उसकी, और आपको पता है कि पानी की प्रॉपर्टी है कि उस पर किसी भी चीज की परछाई बनती है, तो जो आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी शेडो बनने लग जाती है। जब आप एक्सरे वगैरह कराते हो ना तो जॉइंट पे आपको एबनॉर्मल जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी शेडो दिखती है, यानी एक ब्लैकिश एरिया नजर आने लग जाता है आपको। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि जो जॉइंट है उसमें काफी ज्यादा इफ्यूजन हो गया है, ये एक्सरे में इफ्यूजन पकड़ने की पहचान होती है कि जो एबनॉर्मल इधर उधर के स्ट्रक्चर है उनकी शेडो देखने लग जाती है, इससे ये पता चलता है कि जॉइंट इफ्यूज हो गया है, ठीक है। और डिफॉर्मिटीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। ब्लड टेस्ट में क्या मिल सकती है आपको, एलिवेटेड मिल सकती है ईएसआर, हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम, ये हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम होना ये बहुत अनकॉमन चीजें हैं, है ना, हर किसी में नहीं। मोस्ट कॉमन क्या है कि सर आपको रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव मिलेगा, दैट इज एंटी सीरम टेस्ट कराएंगे उसमें आपको HLA-DR1 और DR4 बढ़ा हुआ मिलेगा, प्लस मैंने आपकी जो IgG कौन कौन सी बताई थी गैमडे में, GAM, ये तीनों भरी हुई, इन क्या हो, इन तीनों में तीनों कहीं दो का हो एक कोई भी आपको भरी हुई मिलेंगी बॉडी में एबनॉर्मल। तो रूमेटॉइड फैक्टर ऑटो एंटीबॉडी जो है, तो एंटीबॉडी बन गई थी ना हमारे बॉडी के खिलाफ डायरेक्टेड अगेंस्ट दी एफसी फ्रेगमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, जैसे इसमें इसमें देखो स्टार्टिंग में हम पढ़ के आई थी कौन सी पढ़ रही थी, GM पढ़ी थी स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने आपको बताया था, और यहाँ कौन सी डायग्नोस में लिख दी जी, तो अब आप कंफ्यूज हो गए सर वहां तो एम लिखी थी बढ़ी हुई, यहाँ आप जी बता रहे हो, इसलिए मैंने कहा याद कर लो GAM। डायग्नोस में कहो तीनों मिल सकती है, कहो दो मिले, कहीं एक मिले, कोई भी मिल सकती है, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी भर जाती है, कहो तीनों भर जाए, ये डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा खुद दिमाग लगाओ, मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, इन्फ्लामेशन ही तो है, जेनेटिकल चीज का तो कुछ है नहीं, तो इन्फ्लामेशन ही, इन्फ्लामेशन कम करोगे क्या करोगे, एनसीड दोगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी रखते हो इन्फ्लामेटरी को कम करेंगे, या फिर स्टेरॉयडल वाले दोगे, लेकिन स्टेरॉयडल वाले बहुत अपन लाइट केस में देते हैं स्टेरॉयडल, स्टेरॉयडल देते बहुत सीवियर हो गई है चीजें, क्यों, क्योंकि स्टेरॉयड का दिक्कत यह है कि स्टेरॉयड इन्फ्लामेशन तो कम करता है मगर साथ साथ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी को भी कम करने लग जाता है, तो वो चीज, और फिर उसके चक्कर में आसपास की और बीमारी लग, लेकिन ऐसे केसेस में स्टेरॉयड थोड़े काम करते हैं, ऐसे केस में क्यों सर क्यों काम करते हैं, क्योंकि तो हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है सर वो इम्यूनिटी तो कर रही है, तो हमें तो आखिरी में ऐसे ड्रग देने ही पड़ेंगे जो हमारी बॉडी की थोड़ी सी जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करे या उसको थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट करें, तो वो ड्रग्स तो बहुत फायदेमंद होंगे, बिल्कुल, इसीलिए इसके एक स्पेशल ड्रग आते हैं जिनको बोलते हैं डीमार्ट्स, याद रखना इस ड्रग को, क्या मैंने बोला डीमार्ट्स, ये ड्रग स्पेशली याद रखना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दिए जाते हैं, क्या फुल फॉर्म होता है इनका, डी से डिसीज, एम से मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, डीएसए ड्रग्स, ठीक है। तो ड्रग मॉडिफाइंग एंटी रूमेटोइड ड्रग्स कुछ क्या है, ये डिसीज मॉडिफाइंग, डिमार्ट्स का क्या होता है, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटोइड ड्रग, ये ऐसे ड्रग हैं जो आपके जो रूमेटोइड के एंटी हैं और ये आपके क्या कहते हैं उस डिसीज को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो
डिसीज, डी से डिसीज, एम से मॉडिफाइंग, ए आर से एंटीरोमेटोडिक और डी एस से ड्रग। तो डिसीज मॉडिफाई एंटीरोमेटोडिक, ये कौन से ड्रग होते हैं, खुद मतलब इट इज अ इम्यूनो सप्रेसिव और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग एजेंट। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम, लेकिन ये बिल्कुल ये अलग से सर रूमेटॉइड के लिए क्यों बनाए गए, स्टेरॉइड पूरे बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है, इसलिए स्टेरॉइड क्या बोलते हैं उसको तो नहीं पता, लेकिन डीमार्ट स्पेशली डिसीज मॉडिफाइंग है, ये उन्हीं इम्यूनिटी को कम करेगा जो एबनॉर्मल जैसे जी ए एम जो बढ़ रही थी उन्हीं को, सबको कम नहीं करेगा। स्टेरॉइड वाले तो भैया सबको कर देगा, उसको क्या पता, वो तो सबको कर देगा, ये सबको ना करके सिर्फ उन्हीं को कम करेगा जिनकी जरूरत है। कुछ है ना डिसीज मॉडिफाई, याद रखना क्या होता है डीमार्ट का फुल फॉर्म, डिसीज मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग्स। कुछ नाम याद, नाम याद करने हैं तो कर लो, है ना, मैथोट्रेक्सेट क्या होता है, मैथोट्रेमेटीएचओ ट्रेक्सेट टी आर ई एक्स ए टी मैथोट्रेक्सेट होता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यूनिन नाम बहुत सुना होगा, वो भी होती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यूनिन ये भी होती है, ये भी डीमार्ड ही होती है, ठीक है, डिसीज मॉडिफाइंड। और एक और होता है कौन सी होती है, लेफ्नोमियाइड, देखो लिख लो याद हो जाए तो ठीक है, एल ई एफ एल यू एन ओ एम आई डी ई, ठीक है, एक दो याद कर लेना डीमार्ट्स में जिसका एग्जांपल लिखे आना। मैंने डीमार्ट्स आपको बहुत अच्छे समझाई, इसमें और स्टेरॉइड्स में अंतर क्या है सर, इसमें दिक्कत यह है कि स्टेरॉइड सारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है, ये डिसीज मॉडिफाइंग है, ये देख लेगा कि किस जो कौन सी बढ़ रही है कि उसी को कम करना है, वरना सबका कर दोगे तो अगल बगल की और 500 बीमारियां आपको लग जाएंगी, पता चला एक को ठीक करने चढ़े बाकी 15 बीमारियां आपको लग गई है तो क्या फायदा हुआ, इसलिए स्टेरॉइड ना लेकर इसमें स्पेशली डीमार्ट्स दिए जाते हैं। और नॉन ऑपरेटिव में क्या करोगे, पीटी फिजियोथेरेपी क्या करेगी, फिजियोथेरेपी आपकी देखो एक एक पॉइंट पे दिमाग लगाओ, सबसे पहले आप स्प्लिंट पे ना सकते हो, इतनी सारी डिफॉर्मिटी बन रही थी ना, कितनी सारी एल्बो में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, बॉन्ग है ना, स्वैन नेक बन रही थी, है ना, अल्ला डिफॉर्मिटी, या कितनी सारी पढ़ के आयो, अल्ला ड्रिफ्ट बॉन टेनरी स्वैन नेक फ्लेक्शन, है ना, इक्विनस हैलक्स वेलगस हेमटो, उन सबके लिए अलग अलग स्प्लिंट आते हैं जो उनको सीधा करके रखते हैं, जैसे स्वैन नेक में उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी ना, तो उसको ऐसे स्प्लिंट आते हैं जो उनको सीधा करके रखते हैं, जिससे क्या होता है वो सीवियर फॉर्म में ना जाए। तो स्प्लिंट पहनाओगे ऑफ द जॉइंट इन प्रॉपर पोजिशन ड्यूरिंग द एक्यूट फेज, अब सीवियर में नहीं एक्यूट में, क्योंकि एक बार जॉइंट स्टिफनेस हो गई बहुत भयंकर, फिर आप कितनी भी स्प्लिंट बनाओ फिर वो ठीक होगी नहीं, फिर वो किससे ठीक होगी सर, फिर वो ऑपरेटिव से होगी। आप अगर एक्यूट कंडीशन में और आपको मालूम है कि आपको थोड़ा बहुत लग रहा है अच्छा इसकी फिंगर टेढ़ी हो रही है, यानी आपको और अगर आप उन्हें सीधा करने की कोशिश करते हो तो सीधी तो हो जाती है, फिर बार बार उसी पोजिशन में जा रही है, तो आप कहोगे अच्छा ये इसमें बॉन्ड या क्या बॉटन एरिया स्वैन नेक डेवलप हो रही है, तो आपको जो लग रहा है जो डेवलप हो रही है पहले पर्टिकुलर उसको फाइंड करो, फाइंड करने का तो उसके अकॉर्डिंग जो स्प्लिंट आती है उसे वो पिनाओ जिससे वो ना बढ़े। हीट थेरेपी दोगे इससे क्या होगा, सीधी सी बात है, फ्रेश हीट थेरेपी से बैक्स बाथ हॉट वाटर फर्मेंटेशन फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, ये क्या सिम्टम्स पर रिलीफ करेंगे, कैसे कि वहां पर जैसे ही जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एक्यूमुलेट हो गए हैं वो क्या आपको वहां पर पेन क्रिएट कर रहे हैं, ये आप जैसे ही दे दोगे तो उससे ये हो जाएगा सर कि वहां पर फ्रेश ब्लड आ जाएगा, फ्रेश ब्लड आएगा फ्रेश ऑक्सीजन आएगी न्यूट्रिशन आएंगे, तो वहां पर जो आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है वो सब हट जाएंगे और आपको रिलीफ फील होगा, ठीक है, तो ये याद रखना है, ये सब है ना जॉइंट मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कहा था ऐसे लोगों में चलवाओ, क्योंकि जो केमिकल मीडिएटर्स वहां पर एक बार एक्यूमुलेट होने लग गए तो फिर आप चाहकर भी मोबिलाइज करना करा के आपको सर्जरी करानी पड़ जाएगी। तो जॉइंट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज टू मेंटेन जॉइंट फंक्शन है ना, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस टू गेन स्ट्रेंथ, और ये मैंने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी बताया था कि नी जॉइंट में बताया था कि मैंने इसमें जैसे इसमें मैंने इसमें भी बता रहा हूँ कि जिस जिसमें फ्लेक्शन की डिफॉर्मिटी होती है ना उसके एक्सटेंशन पर हमेशा ये वॉक करो, मतलब कैसे सर, जैसे मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया था कि जब नी जॉइंट अफेक्ट होता तो मैंने कहा था कि क्वाड्रिसेप्स पे वर्क करना चाहिए, क्यों सर, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स कराती है एक्सटेंशन, और पेशेंट का कंटिन्यूअसली महीनों से रखा हुआ है कुछ टाइम पीरियड से फ्लेक्शन में रखा हुआ है तो धीरे धीरे मसल हो गई है वीक, अगर आप भले जॉइंट में मोबिलिटी लेके आ जाओ लेकिन अगर मसल वीक है तब भी जी वो पेशेंट कर पाएगा, और आप बोलोगे सर जॉइंट में तो कंप्लीटली मोबिलिटी आ गई फिर भी पेशेंट एक्सटेंशन क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि उसको एक महीना करीब हो चुका था उसने एक्सटेंशन करा नहीं और जिसकी वजह से मसल वीकनेस में चली गई, तो उसमें जो छोटे छोटे जॉइंट है इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल ले लो सर रूमेटॉइड में समझाओ, रूमेटॉइड में अगर मान के चलो एल्बो में हो गई तो मैंने क्या कहा था एल्बो में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो रही है, एल्बो में फ्लेक्शन कौन कराता है बाइसेप, एक्सटेंशन कौन कराता है ट्राइसेप, यानी इसमें जो वीकनेस होगी सर वो किसकी होगी,
ट्राइसेप की, यानी आपको उसमें ट्राइसेप की स्ट्रेंथनिंग भी करानी चाहिए, जॉइंट की मोबिलिटी के साथ साथ ट्राइसेप की स्ट्रेंथनिंग भी कराओ। ये हमेशा फंडा याद रखो, किसी भी चीज में जॉइंट अगर एक एक पोजीशन में चला गया है, एक पोजीशन में चला गया, तो उसके जो अपोजिट वाली मसल है, जो उस, क्योंकि तो वो मसल कुछ महीनों से काम तो नहीं कर रही, उसका ना स्ट्रेस होके पड़ गई है, यानी वो वीक हो गई, भले आप जॉइंट की मोबिलिटी लेके आ जाओ, जब मसल वर्क ही नहीं कर रही है, तो पेशेंट कैसे उसको फिर वो अपनी उस पोजिशन में पहुंचेगा। तो ये हमेशा सबसे बड़ा रूल याद रखो, ये मैं आज आपको गोल्डन रूल बता रहा हूँ, कि क्या होता है कि हम जॉइंट की मोबिलिटी में तो लगे हुए होते हैं, बढ़िया मोबिलिटी करा रहा है, सब करा रहा है, लेकिन जो उसके आसपास की मसल्स होती है उन पर हम ध्यान ही नहीं देते। यही है मोस्टो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में करता है कि हम जॉइंट की मोबिलिटी तो करा रहे हैं, मगर जो अब क्या है, जॉइंट तो मोबाइल है मगर वो कर इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि मसल वीक है। और मसल क्यों वीक है? क्योंकि आप दिमाग लगाओ सर, ऐसा तो नहीं कि पेशेंट आपके पास सीधे आज तकलीफ हुई कल आ गया, वो तो आपके पास पूरा दुनिया घूम घाम के भारत भारत भ्रमण करने के बाद महीने दो महीने बाद आएगा, तब तक तो सारी मसल वीक हो चुकी होती है। तो हमारा पूरा ध्यान जॉइंट, पहले तो जॉइंट मोबिलिटी ठीक कराई हमने, मसल को स्ट्रेंथन करा नहीं, फिर हमने उसको बोला कि सर एक्सटेंशन करो, आप पहले वो एक्सटेंशन करो, अब उसका जॉइंट में तो मोबिलिटी है, आप कर रहे हो तो कंप्लीटली पैसिव उसका पूरा एक्सटेंशन हो रहा है, मगर वो खुद से नहीं कर पा रहा। तो आप दिमाग लगाओगे सर मैं इसका कर रहा हूं तो कंप्लीटली जॉइंट मोबिलाइज कर रहा है, यानी जॉइंट में स्टिफनेस तो नहीं है। अब मैं जब इसको बोलता हूँ कि भैया तुम करो, तो वो एक्टिवली कर नहीं पा रहा, तो सर दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ही हो रही है क्योंकि इसकी ट्राइसेप वीक हो गई। तो आप हमेशा उन मसल्स पे भी वर्क करो जॉइंट के मोबिलाइजेशन के साथ साथ, जब क्योंकि इसका सबसे बड़ा टेस्ट यही है, जब पैसे तो हमने क्या बोला कि जब भी कोई भी अगर कोई, हमेशा उस मसल्स पे ध्यान दो कि एक्सटेंशन, जैसे बहुत कॉमन हमने बात करा कि एल्बो में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दो कि उसके एक्सटेंशन पे काम करना है, ये हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते। हम क्या जॉइंट्स की बहुत अच्छे ध्यान देते हैं। देखो सबसे बड़ी पहचान क्या, एक्टिव पैसिव। हमको पता है कि अगर हम जॉइंट का मोबिलाइजेशन पैसिवली कर पा रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि जॉइंट तो मोबिलाइज हो पा रहा है, अगर हम पेशेंट को कंप्लीटली, अगर हमने एल्बो जॉइंट ले लिया और उसे मोबिलाइज कर रहे हैं, अगर हमने देखा कि हम उसे जॉइंट हमने हमने अपने हाथ से उसका कंप्लीटली एक्सटेंशन करवा लिया और एक्सटेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जॉइंट तो मोबिलाइज हो रहा है, फिर पेशेंट क्यों नहीं कर पा रहा? क्या दिक्कत आ रही है कि पेशेंट नहीं कर पा रहा? यानी इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है ना कि तो जॉइंट तो ठीक हो गया, मसल वीक है, हम दिमाग नहीं लगा पाते। पेशेंट जब आपके पास आता है वो तो पूरा भारत भ्रमण करके आ रहा है, पूरा घूम के आ रहा, महीने दो महीने में सब कुछ वीक हो चुका है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी जॉइंट डिफॉर्मिटी जिस पोजीशन में होती है उसकी अपोजिट वाली मसल हमेशा वीक हो चुकी होती है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर एल्बो में हो रहा है तो उसकी एक्सटेंशन कौन है? बाइसेप, तो बाइसेप पे ध्यान दो। ऐसी नी जॉइंट में कौन सी एक्सटेंशन? क्वाड्रिसेप्स, उन पर ध्यान दो, रिजल्ट जल्दी मिलेगा, वरना फिर उन्हीं में घूमते रहोगे। ठीक है, ये सब था हमारा पीटी। अब ऑपरेटिव में देखो चार तरह की सर्जरी है, सर्जरी के ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रिवेंटिव सर्जरी, पैलिएट और रिकंस्ट्रक्टिव और सेल्वेज। व्हाट इज प्रिवेंटिव सर्जरी? नाम भी समझ आ रहा है, फॉर प्रिवेंशन। ये सर्जरी आपको जब करनी है, जब आप इसमें पूरा जॉइंट नहीं बदलेंगे ना, आप ये देखेंगे कि आपने देखा कि जॉइंट पे जो सबसे पहले अफेक्ट होने वाली चीज है दैट इज साइनोवियल फ्लूइड, तो आप उसी को चेंज करो, आप उसको अलग काट के बाहर निकाल देंगे, जिससे क्या पूरा जॉइंट अपने आप बच जाएगा, है ना, जिससे क्या हो जाएगा वो जॉइंट बच जाएगा और उसके आसपास के जो जॉइंट है वो भी बच जाएंगे। तो प्रिवेंटिव डन टू प्रिवेंट डैमेज टू दी जॉइंट एंड नियर बाई टेंडन बाई दी इन्फ्लेमेड हाइपरट्रॉफी साइनोबियम, इट कंजेस्ट ऑफ साइनोबियक्टॉमी। व्हाट इज साइनोबियक्टॉमी? रिमूवल ऑफ दी साइनोबियम, जो साइनोबियम मेम्ब्रेन से हटा दो, रिस्ट जॉइंट नी जहां भी मेटो पेरिजल जहां भी हो रहा है उस साइनोवियल फ्लूड को हटा दे, क्योंकि हमें मालूम है वही साइनोवियल फ्लूड है, फिर वही हाइपरट्रॉफी होकर पैनस का फॉर्मेशन करेगी और हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज को खराब करेगी, देन आर्टिकुलर कार्टिलेज बोन को खराब करेंगे। तो यहां पर क्या पूरे जॉइंट हमने ये अर्ली स्टेज में होगी प्रिवेंटिव। अच्छा एक बात बताओ कि अगर आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म हो चुका तो फिर आप कर सकते हो क्या? सब बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों? फिर बचाने के लिए बचा ही क्या है? तो प्रिवेंटिव भी वहां होगी जहां कुछ चीजें बची हैं, यानी अर्ली स्टेज की, आपको पता है कि हाँ हम यहाँ बचा सकते हैं, हमें अगर हम साइनोवियम फ्लूड करा तो चीजें नहीं बढ़ेंगी, ये प्रिवेंटिव हो गया। पैलिएटिव मतलब का होता है, पैलिएटिव जब होती है, इस सर्जरी को बोलते हैं सिम्टोमेसिक सर्जरी, सिम्टम्स बेस्ड सर्जरी। मतलब सर ये सर्जरी आपको जब करनी है, जब आपको लग रहा है कि भैया
ये जो पेशेंट है इसकी सर्जरी से ही अब ये ठीक हो नहीं पाएगा, वी आर करेक्टिव सर्जरी इज नॉट पॉसिबल। तो फिर कि सर इसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो डिफॉर्मिटी हो गई है जो, उसको ठीक कर दो, जैसे कि एल्बो जॉइंट में डिफॉर्मिटी होने की वजह से फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो गई थी। अब एल्बो जॉइंट तो ठीक नहीं हो सकता, तो सर क्या कर सकते हैं कि जो टेंडन है बाइसेप का जिसकी वजह से शॉर्टनिंग हो गई थी उसे लंबा कर दो, जिसकी वजह से पेशेंट एक्सटेंशन कर पाए। तो यहाँ सिम्टम है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, उनको दूर करेंगे। मगर ये कब करेंगे सिम्टम है, जब आपको पता है कि जो मेन उसका सोर्स है वो से हम ठीक कर नहीं सकते, तो फिर भैया उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक कर लो। समझ लो, पहला हमारा पूरा ध्यान तो सोर्स पे जाना चाहिए ना कि तकलीफ आ कहां से, उसे ठीक करो। अब तकलीफ यहां से आ रही है उसे ठीक नहीं कर सकते, तो फिर उसकी वजह से जो तकलीफ आ रही है उन्हें ठीक करो, यानी जो पेन जो जिस डिफॉर्मिटी की वजह से अगर कोई नर्व वेन दब रही है, कोई डिफॉर्मिटी होगी तो चीजें तो दबेंगी बेजोंगी, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना है तो उसे ठीक करते, उसे बोलते हैं पैलिएटिव सर्जरी। थर्ड वन रिकंस्ट्रक्टिव, रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब यही, मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर में जो यूट्यूब पर लेक्चर डाला है मैं कंप्लीट समझा चुका हूँ। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब क्या होता है सर, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा कंस्ट्रक्ट करना। यहाँ पर मतलब क्या है कि आपको जैसे टी किया, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, मेटोकार्पोफेलियन जॉइंट जो भी जैसे उनको पूरा बदल ही दो, उनको क्या करो पूरा बदल दो। हमें लग रहा है कि हम उनको पूरा बदल ही सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि भैया उनको अब जो अच्छा ये सर इसमें और प्रिवेंटिव में क्या डिफरेंस है, प्रिवेंटिव वाली आप जब करोगे ना जब चीजें खराब हुई है लेकिन कुछ परसेंटेज तो उनको ठीक कर लो, रिकंस्ट्रक्टिव वाली जब करी जाएगी जब चीज 100% ही खराब हो गई। हमें लग रहा है कि भैया एल्बो ज्वाइंट है एमसीपी है या अगर नी ज्वाइंट में भी हो गया है जब पूरा ही खराब हो गया, तो फिर उसको काट के पूरा नया बदल दो। टोटल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, क्या इसकी प्रोसेस होती है, ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है, जाओ यूट्यूब पर लेक्चर है पढ़ो, उसमें उसमें मैंने समझाया अच्छे से, तो समझ आ रहा है। रिकंस्ट्रक्टिव का जब चीजें कंप्लीटली खराब हो गई, चूंकि वहां ऑप्शन बचा ही नहीं है किसी चीज को प्रिवेंट करने का, तो करोगे क्या सर, फिर वो जो पूरी चीज है उसको ही काट के नई लगा दो, है ना, उसे क्या बोलेंगे सर, उसे हम बोलेंगे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, है ना। आखिरी की लास्ट कौन सी है, सेल्विस सर्जरी। सेल्विस सर्जरी का मतलब होता है सर्जरी आफ्टर फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट, जब सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तब ये लास्ट में फिर बिल्कुल आखिरी में सब कुछ हो जाती है, तब उसके बाद करी जाती है बिल्कुल लेटेस्ट स्टेज है इसको, बिल्कुल मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इसको नहीं करते। तो कौन कौन सी तीन हो गई हमारी, प्रिवेंटिव यानी जब कुछ परसेंटेज खराब हुए हैं जैसे साइनोवियल फ्लूइड, तो उसको कट करके उसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन बाहर निकाल दी, तो जिससे हमारा बच गया कि पहले फॉर्मेशन नहीं हुआ बच गया। पैलिएटिव कब बोला कि हमें लगा कि भैया करेक्टिव सर्जरी फेल है, यहाँ कोई चीज ठीक नहीं हो सकती, तो जो सिम्टम्स है उन पर ठीक कर दो। सर रिकंस्ट्रक्टिव क्या हो गया, रिकंस्ट्रक्टिव वाला हमारा सर ही हो गया कि हमें लग रहा है कि नहीं भैया कंस्ट्रक्शन खराब हो गया चीजें, तो हमें चीजें बदलनी ही पड़ेंगी, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ठीक है, दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर एंकल आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, थैंक यू।